हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। हाल ही में हम अपनी फिफ्थ एनिवर्सरी मनाने जिम कॉर्बेट गए थे। वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, लेट मी शेयर विद यू। तो आ जाओ। हम लोगों ने जिस रिजॉर्ट में बुकिंग की थी, इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि हम लोगों को बाहर जाने का वैसे तो मौका मिला नहीं बच्चे के साथ। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, ये हमारे रिजॉर्ट के पीछे है। ये रिवर साइड रिजॉर्ट था एंड इट वॉज सो ऑसम। सारे कपल्स और फैमिलीज रिवर के साइड फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो हमें भी लगा कि हमें भी जाना चाहिए। तो वीर और वीर के पापा नीचे जा रहे हैं और मैं हूँ कैमरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनके पीछे पीछे। हालांकि मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बहुत कम आई हैं, बट जस्ट लुक एट द व्यू। बहुत ही सुंदर, सूदिंग और काम एक्सपीरियंस था। पूरी शाम हम लोग वहाँ पे थे। बच्चे के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि हम फ्री नहीं थे, लेकिन रिस्क हमने बिल्कुल सेफली ही लिया है। बच्चे को गोद में ही रखा था और ये सारा रिकॉर्ड किया। बहुत ही सुंदर, ये सारा जो है कई किलोमीटर्स तक हमारे रिजॉर्ट की साइड में था। बहुत सुंदर सुंदर पेबल्स और वहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो जाता है रिवर के वहाँ। वीर ने अपने पापा के साथ खूब मस्ती की। ये जो लॉन एरिया है, ये पूल के साइड में था। शाम को यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते थे। एक तरह से ये उनका थिएटर था। ये पूल था, पूल नंबर टू। ये छोटे वाला पूल था। बड़े वाले पूल पे बहुत भीड़ थी, सो वी डिसाइडेड कि हम उस पर कल जाएंगे। छोटे वाले पूल पे वीर को मैंने एक हाथ में लेके, एक हाथ में फ़ोन से अपने रिकॉर्डिंग करते हुए, और मैंने अंकुर की रिकॉर्डिंग करी। बहुत ही सुंदर था ये भी। कल हम जो है हमने डिसाइड किया था जैसे कि बड़े पूल पे जाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पीछे आप देख रहे हैं गाइस, वो सारे उत्तराखंड के सुंदर सुंदर पहाड़ हैं जो हमें ये व्यू वहाँ से दिख रहा था। इतना ग्रीनरी देख के ना, मतलब दिल्ली में तो नॉर्मली हमें देखने को ही नहीं मिलता ये सब। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग ट्रिप था। तो मैं पूल में नहीं जाना प्रेफर कर रही थी, तो मैं बाहर ही खड़ी थी, तो हमने ये रिकॉर्ड किया। तो अभी क्या होता है, शाम का हमने ये रखा था कि थोड़ा सा बाहर भी देखेंगे, अगर लगा रिस्क है तो फिर वापस आ जाएंगे। तो वही हुआ, हम लोग गए, थोड़ा सा इधर उधर देखा, बट थोड़ा सा अंधेरा था, बच्चे के साथ ठीक नहीं लगा, सो वी केम बैक। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे जो था रेस्ट्रो बार था, इट वॉज सो ऑसम कि हमारा कोई प्लान ही नहीं था अंदर जाने का, बट व्हेन वी वेंट देयर, हम वहाँ पे बैठे एंड स्पेंड सम टाइम, क्वालिटी टाइम, बहुत ही सुंदर। थोड़ी देर मुझे लगा कि हम वीर को फ़ोन दे के बैठा देते हैं ताकि वी कैन हैव आर फ्यू मिनट्स। तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद, जस्ट लुक एट द एम्बियंस, जस्ट लुक एट द एम्बियंस। लगा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अपनी बताया कि भाई हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं, जो कि नेक्स्ट डे थी। फिर नेक्स्ट डे हमने एक कलर थीम रखा था, व्हाइट कलर। हम तीनों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे कॉम्बो करके, तो पूरा हम लोग ऐसे ही फैमिली लग रहे थे। सब देख के बहुत, मतलब लग ही रहा था, अट्रैक्टिव लग रहे थे तीनों। तो ये वीर को मैंने थोड़ा सा फॉर्मल लुक दिया था, देखो कितना क्यूट लग रहा है ये। बहुत मस्ती की इसने इस दिन। हाँ, ये थोड़ा एडजस्ट हो गया था और इस दिन इसने बहुत इन्जॉय किया, थोड़ा फ्री हो गया था। हमने इसको थोड़ा फ्री भी छोड़ दिया था कि घूम लो, तो बच्चे को फ्री छोड़ने के बाद ही उसको मज़ा आता है। तो ये अपना ऐसे घूम रहा है। मेरी तो बहुत कम फोटोज आई थी क्योंकि मैं तो बच्चे को ही संभालने में लगी हुई थी, बट जस्ट अभी देखो ये हम लोग आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ टू गेट सम गुड वीडियोस, लेकिन ये इसको इधर जाना है उधर जाना है। इनिशियली ये पूल में जाने के लिए ही वॉज हैविंग सम काइंड ऑफ एवर्शन टू वाटर, बट धीरे धीरे इसको ठीक लगा और फिर ये पानी में स्प्लैश करने में इंजॉय कर रहा था। सुंदर लग रहा है ना ये पूरा व्यू। हम दिन में हमने पूरा ऐसी साइट सीइंग की थी रिजॉर्ट की, पूरा एक्सप्लोर की थी प्रॉपर्टी और बेस्ट फोटोज़ लेने की कोशिश की थी, जो कि हुए नहीं, ज़्यादातर ब्लूपर्स ही थे।
चलो अब वीर तो पानी में उतरने के लिए तैयार ही नहीं। पूरा पैंट वेंट भी मैंने इसकी फोल्ड कर दी। तो मैं और वीर साइड में बैठे हुए थे वाइल माय हस्बैंड वाज एंजॉयिंग इन स्विमिंग पूल। लेकिन मतलब पानी ठंडा भी लग रहा था ना, बच्चों को अभी तो ठंड गई थी। तो मैंने धीरे धीरे इसको कंफर्टेबल कराया, इसके भी पानी में मज़े कराए। तो ये वीडियोस बनाई मैंने। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई, मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि वीर इधर उधर ना गिर जाए पानी में। तो मैं इसको ही देख रही थी ओवरऑल, और इसी के बीच में मेरी जो फोटोज़ वीडियोज़ आई हैं। फिर पूल के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करके चेंज करके इधर उधर घूमे और मैंने वीर की थोड़ी मस्ती कराई। बीच में मुझे गुस्सा तो आ गया था थोड़ा सा, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार बच्चे के मज़े नहीं कराए तो क्या। फिर मैंने वीर को लेके इधर उधर थोड़ी सी आउटिंग की और ट्रम्पलिंग जो हमारी वहाँ पे पार्क था छोटा सा बना हुआ था वहाँ पे वीर के मज़े किए, अपने फ़ोटोज़ कुछ लाए। ओवरऑल इट वाज ग्रेट।